कार्टून टीवी। घने जंगल के बीच से एक रेल की पटरी निकाली गई थी, लेकिन उस पटरी पर जब भी रेल गुजरती तो जरूर कुछ न कुछ हादसा होता था। लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो ये सब कर रही है। वाह, कितना मजा आ रहा है इस रेल के ऊपर बैठकर। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मैं खुद ही चल रही हूँ। पर मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और फिर रेल के ऊपर से कूदकर वे नीचे आ जाती है और गायब हो जाती है। उसी जंगल से कुछ दूर एक गांव था जिसका नाम रूपगढ़ था, जहां पर कुछ गिने चुने लोग ही रहते थे। बाकी के लोग उस गांव को छोड़कर जा चुके थे उस चुड़ैल के डर की वजह से। उन्हीं कुछ गिने चुने लोगों में से एक परिवार था रुपेश का परिवार, जो कि उस गांव में सबसे पुराने निवासी थे। उन्होंने भी चुड़ैल के इस खूनी खेल के बारे में सुना था, पर कभी चुड़ैल से उनका पाला नहीं पड़ा था। रुपेश शहर में जाकर रहता था और उसने वहीं पर शादी भी कर ली थी। रुपेश के माता पिता गाँव में रहते थे। उन्होंने रुपेश को पढ़ाने लिखाने के लिए शहर भेजा था, लेकिन रुपेश ने वहीं पर घर बसा लिया। लेकिन अब रुपेश शहर की भाग दौड़ से थक गया था और वो अपने गांव में जाकर बसना चाहता था। रुपेश की पत्नी पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब वो भी शहर के जीवन से थक गई थी। अब वो भी गांव की हरी भरी वादियों में रहना चाहती थी। एक दिन अपनी पत्नी से रुपेश बात करता है और कहता है, सुनो रूपा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपनी बाकी की जिंदगी गांव के शुद्ध माहौल में बिताएं। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं भी थक गई हूँ इस शहर की चकाचौंध से। तो फिर ठीक है, कुछ दिनों में यहाँ का सारा काम समेट कर गांव जाने की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है। और फिर कुछ दिनों में रुपेश गाँव जाने की तैयारी में लग जाता है। रुपेश गाँव जाने के लिए टिकट बुक करवाता है तो उसे दिन की टिकट नहीं बल्कि रात की टिकट मिलती है। तो वह थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता से सुना था कि जो ट्रेन उनके गांव के लिए जाती है वह एक घने जंगल से गुजरती है और उस जंगल में चुड़ैल का साया रहता था। वह इस बात को अपनी पत्नी से कहता है। अरे रूपा, कहाँ हो तुम? गांव जाने के लिए टिकट ले आया हूँ, पर टिकट दिन की नहीं रात की मिली है। तो इस बात को इतना सोचकर क्यों बोल रहे हो? तो बात यह है कि रात को ट्रेन में सफर करना खतरनाक हो सकता है। अरे ये क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों? वो रूपा, बात यह है कि मैंने तुम्हें कभी इस बारे में पहले नहीं बताया। कौन सी बात? वो बात यह है कि हमारे गांव के लिए जो ट्रेन जाती है ना, वो एक घने जंगल से गुजरकर गांव तक ले जाती है, और उस घने जंगल में चुड़ैल का साया रहता है जो उस जंगल से गुजरने वाले पर हमला बोल देती है। रुपेश की ये बात सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, आजकल भी कोई चुड़ैल होती है? बेकार में इतना डर रहे हो। चलो जल्दी चलो, तैयारी करो जाने की। चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, ना जाने कौन सी सदी में जी रहे हो तुम भी। लेकिन रूपा, मैं सच कह रहा हूँ, पिताजी ने अक्सर मुझे इस बारे में बताया है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे शहर भेजा था और फिर कभी उस गांव में नहीं बुलाया। अरे तुम भी छोड़ो ये बातें और चलो तैयारी करते हैं। अगले दिन रूपा सब तैयारी कर लेती है और रात के समय वे दोनों ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं। रुपेश तो डरा हुआ था, लेकिन रूपा बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी। ठीक आधी रात के समय ट्रेन में कुछ झटके लगने लगते हैं। रूपा तो आराम से सो रही थी, लेकिन रुपेश की तो नींद ही उड़ी हुई थी। वह झटके लगने से तुरंत उठ जाता है और जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखती है जो खिड़की पर लटकी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। रुपेश की तो जैसे हालत पतली हो गई थी, उसके तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चुड़ैल
खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी रुपेश ने अपनी पत्नी को उठाया। रूपा रूपा उठो, चुड़ैल, वो देखो चुड़ैल, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था ना, वो देखो खिड़की पर लटकी हुई है। रूपा तुरंत उठ जाती है और खिड़की पर देखती है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। अरे कहां है चुड़ैल, खिड़की पर तो कोई नहीं है। तुम भी चुड़ैल के बारे में इतना सोच सोच कर सच में ही चुड़ैल दिखने लगी है तुम्हें। सो जाओ अब, मुझे बहुत नींद आ रही है, कोई चुड़ैल नहीं है। और फिर रूपा सो जाती है, लेकिन रुपेश की तो नींद ही उड़ गई थी, बस वे चुड़ैल के बारे में सोच रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन अचानक रुक जाती है। सब लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। फिर पता चलता है कि ट्रेन की पटरी पर कोई लाश पड़ी है, इसीलिए रास्ते बंद हैं। सब लोग डर जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, इतनी रात में इतने घने जंगल में ट्रेन रुक गई है, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा। हाँ हाँ भैया, लगता है आज तो हम गए काम से। चलो भाइयों, सब ट्रेन के अंदर चलते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। जब तक रास्ता साफ नहीं होता, कोई बाहर मत निकलना। चलो सब ट्रेन के अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। फिर दूर ट्रेन की पटरी पर एक चुड़ैल चलती हुई दिखती है। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और मुंह पर भी। वो उस ट्रेन की तरफ ही आ रही थी। लोगों ने उस चुड़ैल को ट्रेन की तरफ आता हुआ देख लिया था और देखते ही सब लोग चिल्लाने लगे। हे भगवान, अब क्या करें, कौन बचाएगा हमें इस चुड़ैल से, हे भगवान। मार डालूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। मुझे भी किसी ने इसी रेल की पटरी पर बुरी तरह से मार डाला था और मुझे रेल के नीचे फेंक दिया था, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। देखो रूपा, तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी ना, तो देख लो अपनी आंखों से उस खतरनाक चुड़ैल को। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रही है चुड़ैल, ये तो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही भयानक। अब हमारा क्या होगा, हे भगवान बचा लो इस चुड़ैल से। किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। घनी झाड़ियों में से एक साधु बाबा निकल कर आते हैं। सुनो भाइयों, ये चुड़ैल कोई इतनी बुरी नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए ये अपना बदला लेना चाहती है। बुरा हुआ, साधु महाराज, आखिर उस चुड़ैल के साथ क्या बुरा हुआ। वो सब तो ये चुड़ैल ही बताएगी, और यही सब जानने के लिए ही मैं भी यहाँ पर आया हूँ। वे चुड़ैल वहां पर आती है और वहां पर खड़े लोगों को उठाकर इधर उधर गिराने लगती है। तभी साधु बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे वह चुड़ैल शांत हो जाती है। शांत हो जा चुड़ैल, आखिर तू क्या चाहती है, क्यों तू लोगों को मार रही है, मुझे सच बता, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। साधु, तू जानना चाहता है ना, तो सुन, वो जो सामने जंगल देख रहा है ना, उस पार मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। एक बार ट्रेन यहाँ से जा रही थी तो किसी खराबी की वजह से वो यहाँ पर रुकी हुई थी। अरे यार, ये ट्रेन में तो तकनीकी खराबी आ गई है, पता नहीं कितनी देर और लगेगी। राकेश, मैं अभी ट्रेन के ड्राइवर से मिलकर आया हूँ, वो बोल रहा है कि अभी 5-10 मिनट में चल पड़ेगी। टिंकू, वो जरा सामने तो देख, उस पेड़ के पास वो लड़की। मैं जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी वो दोनों लड़के मेरा पीछा करने लगे। तभी ट्रेन की सीटी भी बजने लगी, वो ट्रेन वहां से जाने लगी, लेकिन वो दोनों बदमाश मेरे पीछे पड़ गए। कौन हो तुम दोनों और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तेरे चक्कर में हमारी ट्रेन भी चली गई, हम तो पानी पीने के लिए इधर आ रहे थे। देखो यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है, तुम वापस जाओ, यहाँ से ट्रेन थोड़ी थोड़ी देर में आती ही रहती है। लेकिन उन दोनों बदमाशों के मन में कुछ और ही चल रहा था, मैं उनका इरादा भांप गई और वहां से भागने लगी। वो दोनों मेरे पीछे भागने लगे, मैं पटरी की तरफ तेजी से भाग रही थी
तो सामने से एक दूसरी ट्रेन भी आ रही थी। उन दोनों से बचने के चक्कर में मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं ट्रेन के आगे आ गई। ट्रेन मुझे कुचलकर आगे चली गई। तब से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। मैं ट्रेन में सवार लोगों को मारकर अपना बदला ले रही हूँ और मैं आज का शिकार भी कर चुकी हूँ। वो चुड़ैल वहां से अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हंसने की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको मिलकर उस चुड़ैल से माफी मांगनी होगी, तभी वो शांत होगी। बाबा आपको क्या लगता है, वो चुड़ैल मान जाएगी? हाँ हाँ, वो मान जाएगी। उसकी आत्मा इतने समय से इस जंगल में भटक रही है, उसे मुक्ति चाहिए। हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। पर वो कैसे? हमें बाहर उतरकर एक जगह पर आग जलानी होगी और मंत्र पढ़ने होंगे। मुझे पता है आत्म शांति के लिए कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। मैं मंत्र बोलूंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे बोलना उन मंत्रों को। कुछ देर के लिए वो चुड़ैल शांत हो जाएगी और फिर हमें माफी मांगने का मौका मिल जाएगा। सब लोग ऐसा ही करते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है और वहीं रेल की पटरी पर बैठ जाती है। फिर बाबा चुड़ैल के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो चुड़ैल, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, वरना ये अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। लगता है तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। ऐसा कहकर वो बाबा को उठाकर दूर फेंक देती है। तुम इस तरह निर्दोष लोगों को नहीं मार सकती। तुमने अब तक बहुत से लोगों को मारा होगा, तो क्या तुम्हारे मन को शांति मिल गई? मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। देख, मैं तुझे इस चुड़ैल के शरीर से मुक्त कर सकता हूँ। पर मुझे बदला चाहिए। देख, तुझे बदला तो मिल गया होगा। तूने इतने लोगों को अब तक मार दिया है, तेरी वजह से लोगों ने पूरा गांव खाली कर दिया है। चल चल, बातों में मुझे मत उलझा, मुझे अपना काम करने दे। चुड़ैल गुस्से में एक आदमी को उठाकर मारने लगती है। तभी बाबा आग में से एक लकड़ी निकाल कर लाते हैं और चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल इस वार से बच जाती है, लेकिन फिर सब लोग उस पर जली हुई लकड़ियों से हमला करने लगते हैं, तो चुड़ैल जलने लगती है और कहती है, छोड़ दो मुझे, मत जलाओ, छोड़ दो मुझे, मुझे मुक्ति दे दो। मैंने अब तक बहुत लोगों की जान ले ली, पर मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा उस अग्नि के पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर में चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे मिट्टी बनने लगता है और चुड़ैल की आत्मा निकलकर आसमान की ओर चली जाती है। और फिर कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है। सब लोग बाबा को धन्यवाद देते हैं। रास्ता भी साफ हो जाता है और कुछ देर में सुबह हो जाती है। रूपा और रुपेश अपने गाँव पहुँच जाते हैं। रुपेश रात वाली सारी बात अपने पिताजी को बता देता है। उन्हें भी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनके गांव पर से अब चुड़ैल का साया चला गया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। धीरे धीरे लोग उस गांव में वापस आने लगे थे और गांव फिर से लोगों से भर गया था। माय कार्टून टीवी। राजापुर गांव के पास एक घना जंगल था। वहां जंगली जानवरों का बसेरा था। रात होते ही वहां से अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगती थी, जिस कारण गांव वाले उस जंगल के रास्ते से कम ही आना जाना करते थे। एक तो जंगली जानवरों का डर, दूसरे वहां कोई जाता भी था तो उसकी लाश ही वहां से आती थी। इसीलिए गांव वाले उस जंगल में नहीं जाते थे। राजापुर गांव में सोहन का परिवार भी रहता था, जो बहुत गरीब था। सोहन के पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लीला लकड़ियां इकट्ठा करके घरों में ईंधन जलाने के लिए बेचा करती थी। लीला अक्सर जंगल की सीमा पर जाकर लकड़ियां बीना करती थी।
उसकी जान हमेशा खतरे में रहती, परंतु परिवार का पेट पालने के लिए उसे ये खतरा उठाना पड़ता था। सोहन अक्सर माता पिता की मेहनत देखकर मन ही मन सोचा करता कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को खुशहाल कर देगा। एक दिन सोहन अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसने एक लड़की को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। वो उसके पास जाकर पूछने लगा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो? नहीं नहीं, मैं रास्ता नहीं भूली, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, मैं बस अपने भाई के कारण रो रही थी। कहते हुए वो लड़की मुस्कुराने लगी। ओह, तो ये बात है, चलो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ये कहकर सोहन लड़की को लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की सोहन से कहती है, सोहन, मैं उस जंगल में रहती हूँ, तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे? सोहन हैरान होकर उस लड़की को देखता है। उस जंगल में? अरे वहाँ तो कोई नहीं जाता। हाँ, पर हम लोग तो वहीं रहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कहकर लड़की जंगल की ओर चली जाती है। सोहन उसे दूर से जाता हुआ देखता है। अचानक वो लड़की एक बड़ी सी बिल्ली के रूप में बदल जाती है और घने जंगल में घुस जाती है। सोहन ये देखकर डर जाता है। वो भागता हुआ घर में घुसता है। अरे अरे, आराम से, अब इतनी तेज भाग कर क्यों आ रहा है? माँ माँ, आप जानती हो मैंने आज क्या देखा? क्या? अरे अब मुझे कैसे पता होगा कि तूने क्या देखा? माँ, मुझे एक लड़की रोती हुई रास्ते में मिली। मैंने जब उसके रोने का कारण पूछा तो कहने लगी कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसकी मदद करने के लिए अपने साथ लेकर आ रहा था तो जानती हो क्या हुआ? अरे अब बता भी दे, क्या हुआ? माँ, वो लड़की जंगल में रहती है। जंगल की ओर जाते हुए उसने बिल्ली का रूप बदल लिया। अरे ये कैसे? हाँ माँ, मैं तो डर कर वहां से भागते हुए आ गया। चल अब हाथ मुंह धोकर खाना खाने आ जा। अब ध्यान रखना, कभी कोई मिले तो उसके साथ चले मत जाना, समझे? सोहन माँ की बात पर अपनी मुंडी हिलाते हुए हाथ मुंह धोने चला जाता है। उधर लीला को चिंता होने लगती है। शाम को जब रामलाल घर आता है तो लीला उसे सोहन के साथ हुए हादसे की बात सुनाती है। सोहन, ओ सोहन, इधर आ। रामलाल सोहन को बहुत प्यार करता है। बेटा बच के रहना, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ रहने वाले जानवर बहरूपियाँ हैं। लीला, सुबह सोहन को मैं छोड़ दूंगा और तुम दोपहर में इसे लेने स्कूल चली जाया करो, उसे अकेले मत आने जाने दो। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं हर रोज स्कूल लेने चली जाऊंगी, यही ठीक रहेगा। एक दिन वो अपने घर के आंगन में खेल रहा था कि तभी उसके घर एक बिल्ली आ जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। सोहन उसे देखकर डर जाता है। वो माँ को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर लीला बाहर आ जाती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? तभी लीला की नजर उस बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली पहले तो म्याऊ म्याऊ करती है, फिर अचानक अपना रूप बदल कर खड़ी हो जाती है। सोहन,
तू जंगल कब आएगा? मैं तेरी राह देख रही हूँ सोहन। क्यूरी, क्या काम है तुझे? क्यों सोहन के पीछे पड़ी है? ठहर, अभी तुझे बताती हूँ। रुक, जरा ठहर तू, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए अंगीठी में से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसे दिखाती है। आग देखकर लड़की पहले सहम जाती है, फिर बड़ी सी बिल्ली बनकर छलांगे लगाती हुई गायब हो जाती है। उस शाम को लीला और रामलाल सोहन को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उन्हें बताता है, बेटा सोहन, जिस दिन वो लड़की तुम्हें मिली थी, तो उस दिन तुमने कौन से कपड़े पहने थे? उस दिन तो मैं स्कूल के कपड़ों में था। अच्छा सोहन, क्या तुमने उस लड़की का हाथ छुआ था? नहीं, बस उसे साथ लेकर कुछ दूर तक चला था। रामलाल, उस लड़की ने इस सोहन को अपना निशाना बना लिया है। तुम इसके स्कूल के कपड़ों को अच्छी तरह धोने के बाद उसमें केवड़े की खुशबू लगा देना। जी महाराज। ये लो बेटा, मैं ये ताबीज तुम्हें दे रहा हूं, इसे हमेशा अपने गले में पहने रहना। और बहन लीला, आप बहुत बहादुर हैं, उसका सामना गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं किया, तुमने अपनी होशियारी से उसे भगा दिया। महाराज, मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, ये हमारा इकलौता लड़का है महाराज, इसकी रक्षा कीजिए। हाँ बहन, मैं इसे जरूर बचाऊंगा, इसके साथ साथ सारे गांव की रक्षा करनी ही होगी। तांत्रिक गांव के मुखिया और अन्य पंचों को बुलाता है, सबको सोहन की बात बताकर कहता है, अभी तक हम गांव वाले जंगल में जानवरों के डर से नहीं जाते थे, पर सोहन की हिम्मत ने हमें ये बता दिया है कि वहां एक चुड़ैल जानवरों का भेष बनाकर रहती है। हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। हाँ महाराज, वहाँ बहुरूपीय जानवर रहते हैं। रामलाल, वहाँ केवल वही चुड़ैल रहती है जो रूप बदलकर जंगल में घूमती रहती है। उस दिन सोहन को वो दिखाई दे गई थी, अब उसका खेल खत्म हो गया। वो कैसे महाराज? देखो, मैं आज रात हवन करूंगा और उस चुड़ैल को यहाँ आने पर मजबूर करूंगा, फिर जब वो यहाँ आ जाएगी तब मैं इस मंत्रित जल को उसके ऊपर फेंक दूंगा। आप सबको एक काम करना है, जैसे ही मैं ये जल उस पर डालूंगा, आप उस पर गर्म गर्म कोयले डाल देना, जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगी और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब हम सब रात को आएंगे आपके पास। है ये कहकर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर लीला सोहन के कपड़ों को अच्छी तरह धोकर उस पर केवड़े की बूंदे गिरा देती है। सोहन के गले में वो ताबीज भी बांध देती है। तांत्रिक रात को हवन करता है और चुड़ैल के आने पर गांव वालों के साथ मिलकर उसे जला देता है। महाराज, ये तो जलकर राख हो गई है, अब इसकी राख को कहां डालें? मुखिया, इसकी राख को मैं नदी में बहा दूंगा। तांत्रिक ने गांव वालों का डर खत्म तो कर दिया था, परंतु सोहन का डर अभी भी बना हुआ था। उसे हर समय ये लगता कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। जंगल में लोग आने जाने लगे थे, लीला भी जंगल के अंदर से लकड़ियां लाने लगी थी, पर सोहन स्कूल से घर जाते समय अभी भी डरा सहमा रहता था।